हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है लिवर। आज हम जानेंगे लिवर के बारे में, लिवर की एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होती है, उसकी ग्रॉस एनाटॉमी क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या होती है, हेपेटोसाइट्स क्या होते हैं, कफर सेल्स क्या होते हैं, साइनोसॉइड्स क्या होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में जानेंगे। लिवर के फंक्शंस वगैरह सब कुछ देखेंगे हम अच्छे से। ये देखिए, हमारा लिवर कहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, इधर प्रेजेंट होता है। ये देख सकते हैं आप, ये क्या है हमारा लिवर है। इधर इधर से आपको दिखेगा, ये नीचे की जो रिब्स होती हैं वो भी इसको क्या करती हैं, साइड से प्रोटेक्शन देती हैं। ऊपर हमारा डायफ्राम आ जाता है। ओके, ये देखिए हमारा लिवर होता क्या है। लिवर जो है हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का। सबसे बड़ा ग्लैंड पूछा जाए तो कौन होगा, हमारा लिवर होगा। और हमारी बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होगा, हमारा लिवर होगा। फर्स्ट नहीं, फर्स्ट कौन होगा, हमारा स्किन होगा। सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन कौन होगा, लिवर होगा। वेट इसका कितना होता है, 1 किलो से 2 किलो, 300 ग्राम इसका वेट करीब करीब हो सकता है, इनके बीच में उसका वेट होता है एक नॉर्मल एडल्ट में। इट इज़ फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अपर पार्ट में ये पाया जाता है। ऑक्यूपाइंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ द राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ये कहाँ पे मिलेगा हमारे, ये इसका जो ग्रेटर पार्ट होगा, ज़्यादातर पार्ट होगा, वो कहाँ पे मिलेगा, इसका राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। कुछ पार्ट इसका एपिगैस्ट्रिक रीजन में मिलता है, और बाकी पार्ट जब हम लेफ्ट के साइड पे जाते हैं तो आपका लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में इसका पार्ट देखने को मिलता है। लिवर के हमारे 4 लोब्स होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, इधर हमारा जो लिवर है आपको इस एरिया में दिखेगा, तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में आपका इसका ज़्यादातर पार्ट होता है, फिर हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है, और हमारा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में भी थोड़ा सा इसका पार्ट होता है। स्टूडेंट्स, अब इस मॉडल के थ्रू हम लिवर के लोब्स के बारे में जानते हैं। हमारा जो लिवर होता है उसके टोटल 4 लोब होते हैं। ये होता है हमारा लेफ्ट लोब, ये होता है हमारा राइट लोब। पीछे की साइड पे हम देखेंगे पोस्टीरियरली, तो आपको ऊपर की तरफ ये जो लोब मिलता है इसको हम बोलते हैं कॉर्डेट लोब, और ये नीचे की साइड पे हम देखें तो आपको एक छोटा सा लोब और मिलता है जिसका नाम होता है क्वाड्रेट लोब। तो ये सारे लोब्स होते हैं हमारे लिवर के। स्टूडेंट्स, आपको लिवर में ये कुछ वाइट कलर की लाइनिंग्स दिख रही होंगी, इनको हम क्या बोलते हैं, लेगामेंट्स कहते हैं। इनके थ्रू ये एब्डोमेन से और हमारे डायफ्राम से कनेक्टेड होता है। ये वाली जो हमारी लिगामेंट होती है इसको हम बोलते हैं फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। ये जो लिगामेंट होती है इसको हम बोलते हैं कोरोनरी लिगामेंट। ये वाली जो लिगामेंट होती है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट, और ये वाली जो होती है इसको हम बोलते हैं राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। नीचे की साइड पे हम देखें तो हमारे को एक और लिगामेंट देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं राउंड लिगामेंट, या फिर इसका दूसरा नाम भी होता है लिगामेंटम टेरिस हेपेटिस। ये आपकी राउंड लिगामेंट और फैल्सिफॉर्म लिगामेंट मिलकर आपके लिवर को लेफ्ट और राइट लोब में सेपरेट करते हैं। ये आपकी एक्चुअली में रेमिनेंट्स होती हैं अम्बिलिकल वेन की। बच्चों, हमारा जो लिवर है वो टोटल 8 सेगमेंट्स में बटा हुआ है। 7 आपको सामने दिख रही होंगी, एक हम पीछे की साइड पर देखेंगे। ये टोटल 8 सेगमेंट्स होती हैं जिनमें हमारा लिवर बटा हुआ होता है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो लिवर होता है उसके अड़ोस पड़ोस में आगे पीछे ऊपर नीचे क्या क्या ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा सुपीरियरली ऊपर की तरफ और आगे की तरफ डायफ्राम और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल आपको आगे की तरफ देखने को मिलती है। अगर हम इन्फीरियरली नीचे की तरफ हम देखें तो आपको देखने को मिलेगा स्टमक, बाइल डक्ट, ड्यूडिनम, हेपेटिक फ्लेक्जर ऑफ कोलोन्स, आपको जो कोलोन्स दिख रही हैं ये, राइट किडनी, और किडनी के साथ में एड्रिनल ग्लैंड जो कि राइट वाला होगा राइट किडनी के ऊपर। पोस्टीरियरली हम देखें तो आपको देखने को मिलेगा इजोफेगस, इन्फीरियर वेना केवा, आयोटा, गॉल ब्लैडर, वर्टिब्रल कॉलम और डायफ्राम। लेटरली अगर हम साइड्स में देखें तो आपको लोअर रिब्स मिलती हैं, और साथ ही साथ जो डायफ्राम होता है इसको साइड से भी कवर करता है। अब हम देखते हैं पोर्टा हेपेटिस क्या होता है। पोर्टा हेपेटिस ये आपका लीवर का गेट होता है जहाँ से हमारे जो भी स्ट्रक्चर्स इसमें एंटर करेंगे या इससे निकलेंगे वो एक एरिया से निकलते हैं जिसको क्या बोलते हैं, हम हेपेटिक पोर्टल बोलते हैं या फिर पोर्टा हेपेटिस बोलते हैं। ओके, तो इसमें आप ये देख सकते हैं मेजर ये चीज़ें आती हैं, हेपेटिक पोर्टल वेन हो गई, हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर हो गई, ये इसमें क्या करेंगी, एंटर करेंगी, और कॉमन बाइल डक्ट क्या होंगी, इधर से निकलती हैं जो कि आपका बाइल जूस लेके जाती हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हेपेटिक पोर्टल वेन, ये कैरी करती हैं ब्लड स्टमक से, स्प्लीन से, पैनक्रिया से, स्मॉल इंटेस्टाइन से और लार्ज इंटेस्टाइन से कैरी करेंगी और हमारे लीवर में लेके जाएंगी। अब आती है हमारी हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर, ये क्या करती हैं, ये कैरी करती हैं हमारा आर्टरियल ब्लड, और वो भी लेके जाती हैं कहाँ पे, हमारे लीवर में।
फिर आता है हमारा कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट देखेंगे हम, ये राइट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट इधर से निकलती हैं, लेफ्ट और राइट दो डक्ट निकलती हैं, ये कैरी करती हैं हमारा बाइल जो भी हमारे लिवर के सेल्स ने, हिपेटोसाइट्स ने रिलीज़ करा है। लिवर के सेल्स को हम हिपेटोसाइट्स बोलते हैं, लिवर मतलब हिपेटिक मेडिकल में और साइट्स मतलब सेल्स, तो हिपेटोसाइट्स मतलब लिवर के सेल्स। तो जिनने जो भी आपका बाइल रिलीज करा वो कहाँ तक जाएगा, हमारे गॉल ब्लैडर तक जाएगा। तो गॉल ब्लैडर तक कैसे जाएगा हमारा, इन्हीं डक्ट के थ्रू जाता है। ये जो हरी हरी दिख रही हो ना, ये क्या है हमारी हेपेटिक डक्ट होती है, कॉमन बाइल डक्ट होती है। अब हम देखेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द लिवर, लिवर के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे, माइक्रोस्कोप में आपको लिवर कैसे देखने को मिलता है। तो ये देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा हेपेटिक लोब्यूल। ओके, तो इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, इनको अच्छे से देख लेते हैं अब डिटेल में। इसके एक पार्ट को मैं अगर इतने सा आपको दिखाऊं इसको जूम करके, तो आप ये देखिए, ये आपको दिखेगा, ये जो पार्ट मैंने कट करा है इसको क्या बोलेंगे हम, लिवर एक्किनस बोलेंगे। इतने से पार्ट को क्या बोलेंगे, लिवर एक्किनस। ये आपकी सेंट्रल वेन है जो बीच में आपको दिख रही है, सेंट्रल वेन हो गई। और आपका इधर साइनोसॉइड्स देखने को मिलेंगे, साइनोसॉइड्स आपके एक तरीके के कैपिलरी मान लो, जैसे हमारे थर्ड थर्ड ब्लड वेसल जो होती है वो कैपिलरी होती है ना, आर्टरी वेन के अलावा जो बीच में एक्सचेंज करवाती है गैसेस का, वो कैपिलरी होती है। ऐसी हमारी साइनोसॉइड होती है लीवर के अंदर, जो कि क्या करती है हमारा एक्सचेंज करवाती है काफ़ी सारी चीज़ों का। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, साइनोसॉइड के अंदर आपको कफर सेल्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको साइड्स में जो मिलेगा, ये क्या मिलेगा हमारा, हेपेटोसाइट्स होते हैं। ये आपके एक कॉलम बना रहा है हेपेटोसाइट्स, ये एक कॉलम बना रहा है हेपेटोसाइट्स, इन दोनों के बीच में क्या है हमारा, साइनोसॉइड है। ओके, फिर आपका इधर आपकी पोर्टल वेन की ब्रांच आ गई, हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच आ गई, और आपका जो हेपेटोसाइट्स हैं वो क्या बनाते हैं हमारा, आपका क्या बनाएंगे, बाइल बनाते हैं। तो आपका बाइल कैनिकुलाई देख आपको देखने को मिलेगा इधर, ये आपका आगे जाके किससे कनेक्ट होगा, हमारे बाइल डक्ट से। और आपका जो भी बाइल सिक्रीट हुआ वो इधर से बाइल डक्ट में जाएगा, और इस बाइल डक्ट इसको कैरी करके कहाँ पे लेके जाएगी, हमारे गॉल ब्लैडर में लेके जाएगी। इतने से पोर्शन को अगर मैं आपको और जूम करके दिखाऊं, तो आप ये देखिए, ये हमारा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें आपको हेपेटोसाइट्स देखने को मिल रही हैं, ये बाइल कैनिकुलाई है। ओके, आपका ये साइनोसॉइडल ल्यूमन है, जैसे हमारे कैपिलरी के अंदर ल्यूमन होता है, आर्टरी के अंदर ल्यूमन होता है, तो ऐसे ही हमारा साइनोसॉइड के अंदर जो ल्यूमन होगा इसको क्या बोलते हैं हम, साइनोसॉइडल ल्यूमन बोलते हैं। ये हमारा कफर सेल्स हो गया जो कि इसके अंदर पाया जाता है। साइड्स में हमारे हमको एंडोथेलियल सेल्स देखने को मिलते हैं, और आपका डेंड्राइटिक सेल भी इसमें देखने को मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा डेंड्राइटिक सेल आपको देखने को, आपका स्पेस ऑफ डिस में, या फिर आपका स्टेलिएट सेल भी आपको देखने को इसमें मिल जाता है। ओके, तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है हमारा लिवर का। अब इस वाले स्ट्रक्चर को हम और अच्छे से समझ लेते हैं, आपका ये जो सेल्स होते हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई इनका काम क्या होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेपेटिक लोब्यूल से। हेपेटिक लोब्यूल देखिए, सबसे हमारा जो फंक्शन यूनिट होती है लिवर की, वो कौन होती है हमारी, हेपेटिक लोब्यूल होता है। लिवर आपके काफ़ी सारे हेपेटिक लोब्यूल से मिलकर बना हुआ है। द ल्यूब्यूल्स आर हेक्सागोनल इन आउटलाइन एंड आर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। तो आपका कैसा शेप का होता है, ये हेक्सागोनल शेप का होगा, हेक्सागोनल्स की शेप होती है। हेक्सागोनल मतलब इसमें 6 साइड होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जैसे मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स, ऐसे ही हमारा 6 नंबर पे क्या आ गया, हेक्सागोनल आ गया। पेंटागन मतलब 5 साइड, ऐसे आपका हेक्सागन मतलब 6 साइड वाला इसका होता है आपका लोब्यूल। ओके, अब हम देखेंगे हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स देखिए क्या होता है, विद इन ईच हेपेटिक लोब्यूल, हर एक हेपेटिक लोब्यूल में हेपेटोसाइट्स आर द प्राइमरी फंक्शनल सेल्स। सबसे मेन जो फंक्शनल सेल होता है वो क्या होता है हमारा, हेपेटोसाइट्स होता है। यही हमारे बाइल को रिलीज करता है। दीज हेपेटोसाइट्स आर क्यूबिकल शेप, आपके क्यूबिकल शेप के होते हैं, एंड आर अरेंज्ड इन पेयर ऑफ कॉलम्स रेडिएटिंग टू आउटवर्ड फ्रॉम द सेंट्रल वेन। तो आपके किस में पाए जाते हैं, आपका ये अरेंज होते हैं हमारे कॉलम्स में, और आपका रेडिएट हो रहे होते हैं हमारे सेंट्रल वेन की तरफ। तो हमारी सेंट्रल वेन है ये, जो बड़ा सा आपका सर्कल दिख रहा है ब्लू कलर का, सेंट्रल वेन है हमारी हेपेटिक वेन, और इधर तक आपका ये रेडिएट होता है आपके कॉलम्स में अरेंज होके। तो ये होते हैं हमारे हेपेटोसाइट्स। अब हम देखेंगे साइनोसॉइड्स क्या होते हैं। साइनोसॉइड्स देखिए, पर्पल कलर का आपको ये दिख रहा है साइनोसॉइड्स। साइनोसॉइड्स बिटवीन टू पेयर ऑफ कॉलम्स ऑफ हिपेटोसाइट्स देयर आर साइनोसॉइड्स। तो दो पेयर ऑफ कॉलम्स के बीच में हिपेटोसाइट्स के आपको क्या देखने को मिलेगा, साइनोसॉइड्स देखने को मिलेंगे। जैसे मैं आपको दिखाऊं इधर, तो ये देख सकते हैं आप, आपके हेपेटिक कॉलम आपका ये एक है, हेपेटिक सेल्स का एक ये कॉलम पूरा बना दिया इन्होंने, एक ये कॉलम बना दिया। इन दोनों कॉलम्स के बीच में आपको देखने को क्या मिला, ये रेड कलर से दिख रहा है आपको, ये क्या है हमारा, साइनोसॉइड है। ओके, तो
आपके स्पेशलाइज्ड ब्लड वेसल होती हैं, स्पेशलाइज्ड ब्लड वेसल होंगी ये, जो कि आपका क्या करेंगी, आपके पाई जाती हैं और आपके आपके दोनों के दोनों आपके कॉलम्स के बीच में, और ये कैसी होंगी, इनमें इनकम्प्लीट वॉल्स होती हैं। अभी आपको दिखाता हूँ, इनकी वॉल्स जो होंगी ना वो कम्प्लीट नहीं होती हैं। साइनसॉइड्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपका एक्सचेंज करवाने के लिए, जो भी सब्सटेंस एक्सचेंज होना है किसके बीच में होना है, हमारा ब्लड के बीच में और लिवर के सेल्स के बीच में। तो एक्सचेंज किसके थ्रू होगा, हमारा साइनसॉइड्स के बीच में होगा। ओके, तो ये देखिए आप, ये हमारी कैपिलरी है और ये हमारा साइनसॉइड है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी बिल्कुल अच्छे से हो रखी है, लेकिन इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसी है, इनकम्प्लीट है। ओके, और आपका एंडोथेलियल लेयर जो है इसमें देखिए आप, बिल्कुल प्रॉपर है, टूटी फूटी नहीं हुई, कहीं से बीच में गैप नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, बीच में गैप पाया जाता है, तभी क्या बोला इसको हमने, इसकी वॉल जो है वो इनकम्प्लीट होती हैं। ओके, तो ये हमारा साइनोसाइड होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा साइनोसाइड। अब हम देखते हैं इसके बाद कफर सेल्स। कफर सेल्स आप ये देखिए, ये आपके कफर सेल्स हैं, साइनोसॉइड्स के अंदर देखने को मिलते हैं कफर सेल्स। कफर सेल्स आपका क्या होता है, अमॉन्ग्स द सेल लाइनिंग द साइनोसॉइड्स आर स्पेशलाइज्ड हेपेटिक मैक्रोफेजेस नोन एज कफर सेल्स। तो आपका सेल लाइनिंग में साइनोसॉइड्स के अंदर आपको एक स्पेशलाइज सेल्स देखने को मिलते हैं, हेपेटिक मैक्रोफेजेस होते हैं। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, जो कि फॉरेन पार्टिकल्स को खाते हैं, ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, हम कफर सेल्स बोलते हैं। और ये क्या करेंगे, इनका काम होता है इंजेस्ट करना खाना और डिस्ट्रॉय कर देना फॉरेन पार्टिकल को और पैथोजन को, जो भी आपका ब्लड के थ्रू या आपका ब्लड के थ्रू जहाँ अगर कोई भी इसमें आ गया, तो साइनोसॉइड के अंदर जो कफर सेल्स हैं क्या करेंगे, उसको खा जाएंगे और लीवर में उसको खा जाएंगे, लीवर में इस पैथोजन को नहीं जान देंगे। तो ये काम किसका होता है, हमारे कफर सेल्स का काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेल होता है हमारी बॉडी में ये भी। तो इन ओवरऑल क्या है, हमारा हेपेटिक लोब्यूल जो है, ये जो है हमारा फंक्शन यूनिट है हमारी लीवर का। हेपेटिक लोब्यूल में बेसिकली आपका क्या है, हेपेटोसाइट्स, साइनोसाइट्स, कफर सेल्स, ये आपका काम करते हैं फंक्शन यूनिट की तरह हमारे लीवर का। दीज यूनिट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइड रेंज ऑफ लीवर फंक्शंस। तो आपका काफ़ी सारे लीवर के फंक्शंस कराती है ये, जैसे कि आपका मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो गया, डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, आपका प्रोसेसिंग हो गया, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक, उनकी प्रोसेसिंग करवाना, जो भी न्यूट्रिएंट्स हुए आपने एब्जॉर्ब करे हैं तो उनका प्रोसेसिंग कहाँ पे होगा, इस लीवर में होता है, तो ये करवाते हैं। ओके, तो इनका काम होता है ये। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ लीवर, लीवर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन इसका आता है मेटाबॉलिज्म। लीवर क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। किसका मेटाबॉलिज्म करेगा, कार्बोहाइड्रेट का करेगा, प्रोटीन का करेगा, लिपिड्स का करेगा। कार्बोहाइड्रेट का बेसिकली क्या करता है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, क्योंकि आपका जो भी ग्लूकोज है वो आपका ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है हमारे लीवर में। तो आपको जब बायोकेमिस्ट्री में, जब मैं आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाऊंगा तब भी आपको बताऊंगा इसको ग्लूकोज कैसे आपका स्टोर होता है आपका ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और आपका उसके बाद क्या होगा, ये रिलीज हो जाता है। जब भी आपके बॉडी में शुगर की मात्रा कम होगी तो आपका क्या होगा, ये लीवर आपका ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देगा, आपका आपका ब्लड में भेज देगा, और आपका ग्लूकोज की जो मात्रा होगी वो दोबारा रेगुलेट हो जाएगी। ओके, फिर आपका आता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। इट सिंथेसाइज, मॉडिफाइज एंड ब्रेक डाउन प्रोटीन। सिंथेसाइज भी करेगा, मॉडिफाई भी करेगा और उसको तोड़ेगा भी प्रोटीन को, इंक्लूडिंग एल्ब्यूमिन और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ओके, तो आपके एल्ब्यूमिन हो गया जो आपका मेजर प्रोटीन होता है, आपका ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हो गया, इन सबका सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, ब्रेक डाउन ये करवाता है। आपका लिपिड का मेटाबॉलिज्म करवाता है। लिपिड जो होता है वो आपका इन्वॉल्व होता है, आपका जो लीवर होगा वो इन्वॉल्व होगा सिंथेसिस कराने के लिए लिपिड्स ही। आपका बेसिकली लिपिड्स क्या होते हैं, हमारे फैट्स होते हैं, उनके ब्रेकडाउन कराने की और साथ साथ हमारा प्रोडक्शन करवाता है हमारे लाइपोप्रोटीन्स का। तो ये सारा काम होता है इसके, मेटाबॉलिज्म फंक्शन इसका जो होता है। अब हम सेकंड फंक्शन इसका देखते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन देखिए क्या होता है, द लीवर एक्ट एज अ डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर। तो आपका लीवर क्या है, एक डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर की तरह काम करता है। ये प्रोसेस करेगा और न्यूट्रलाइज करेगा टॉक्सिन्स को, ड्रग्स को, हार्मफुल सब्सटेंसेस को, जो भी हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू एंटर हो रहे हैं, तो उनको डिटॉक्सिफाई कर देगा, हमारी बॉडी से निकाल देगा। इट कन्वर्ट टॉक्सिक अमोनिया इनटू यूरिया। तो हमारा जो अमोनिया है उसको कन्वर्ट करेगा यूरिया में, जो कि आपका आगे जाके किडनी के थ्रू बाहर निकल जाएगा, हमारे यूरिन के थ्रू फिर वो पास आउट हो जाएगा। इसके अलावा थर्ड फंक्शन इसका आता है बाइल प्रोडक्शन। तो बाइल प्रोडक्शन आपका, जैसे मैंने आपको बताया, हेपेटोसाइट्स क्या करते हैं, आपका एक ग्रीनिश येलो फ्लूड रिलीज करते हैं, जो कि आपके डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। वो क्या होता है, हमारा बाइल होता है। बाइल हमारा स्टोर होता है हमारे लीवर, आपका गॉल ब्लैडर के अंदर, एंड रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन टू इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एंड हेल्प इन देयर एब्जॉर्प्शन।
तो आपका फैट्स को इमल्सिफाई करने में हेल्प होता है आपका बाइल का, और आपका ये हेल्प करता है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए। किसके एब्जॉर्प्शन के लिए? हमारे फैट के एब्जॉर्प्शन करवाएगा। और आपका कहाँ पे करवाता है बाइल? स्मॉल इंटेस्टाइन में करवाता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन आता है स्टोरेज फंक्शन। लिवर आपका, मैंने आपको बताया था, ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, विटामिन्स को भी कुछ स्टोर करेगा, जैसे कि हमारा ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन B12 हो गया, उनको स्टोर करता है, मिनरल्स को स्टोर करता है, जैसे कि आपका आयरन हो गया, तो इन सबको स्टोर करता है। ये स्टोर सब्सटेंसेस हमारे ब्लड स्ट्रीम में आपके फ्लो हो जाते हैं जब भी हमारी बॉडी को नीड होती है। जब हमारी बॉडी में कमी होगी तो लिवर क्या करेगा, उसको भेज देगा हमारे ब्लड में। फिर इसका नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा सिंथेसिस। लिवर सिंथेसाइज करते हैं हमारे प्रोटीन को, एल्ब्यूमिन को, आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स को, और हमारे कुछ एंजाइम्स को, जो कि ज़रूरी होते हैं हमारे डाइजेशन में और हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में। इसका इम्यून फंक्शन भी होता है। हमारे कफर सेल्स जो होते हैं हमारा, वो डिफेंस करते हैं हमारा, जो भी अगर कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया आ गया, कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया तो उसको तोड़ देगा, और कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया तो उसको खा जाएगा, तोड़ के इंजेस्ट करके खा पी के ख़त्म कर देगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ब्लड फिल्ट्रेशन। तो लिवर फिल्टर करता है और प्रोसेस करता है ब्लड को, रिमूव करेगा डैमेज ब्लड सेल्स। जैसे कि आपका, आपको पता होगा, जो आपका हमारा RBC होता है उसका ग्रेवयार्ड कौन होता है? लिवर और स्पीन होते हैं। तो आपका, जब आपके ब्लड सेल्स डैमेज हो जाते हैं, उनके जब लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है, तो वो भी आपका आपका आगे जाके हमारे लिवर में जब आते हैं, तो लिवर में उसको वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में से रिमूव कर देता है, उसको वो खा जाता है, तोड़ देता है बैक्टीरिया एंड अदर डेब्रिस फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। इसके अलावा हमारा बैक्टीरिया और बाकी कुछ ड्रेपिस है, अगर हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर कोई अलग सा कोई पदार्थ है, तो उसको भी वो निकाल देगा, फिल्टर करके पास कर देगा। तो यह हमारा काम होता है हमारे लिवर का। इसके अलावा फंक्शन आता है हमारा रेगुलेशन ऑफ ब्लड कंपोजिशन। तो हमारा ब्लड कंपोजिशन को मेंटेन करता है, उसको रेगुलेट करता है बाय एडजस्टिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। तो न्यूट्रिएंट्स के लेवल को, हॉर्मोन्स के लेवल को, वेस्ट प्रोडक्ट्स के लेवल को एडजस्ट करेगा और ब्लड की कंपोजिशन को मेंटेन करेगा। स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। लिवर स्टोर करेगा ग्लाइकोजन और एनर्जी, और रिलीज करेगा जब हमारी बॉडी को ब्लड शुगर की ज़रूरत होगी। और ब्लड शुगर, शुगर क्या है बेसिकली? हमारा एनर्जी जो सोर्स है, तो आपका जब ज़रूरत होगी तो उसका वो पास आउट कर देगा। तो इसका नेक्स्ट फंक्शन आता है इसके बाद प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। तो लिवर क्या है हमारा? क्लॉटिंग फैक्टर को भी प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे ज़रूरी होते हैं ब्लड के कोगुलेशन के लिए, ब्लड का थक्का जमाने के लिए, ब्लड को क्लॉट करने के लिए, एंड द प्रिवेंशन ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग, जिससे आपको ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। तो 7-8 तरीके के क्लॉटिंग फैक्टर आपका ये बनाता है, कौन? लिवर बनाता है। कन्वर्जन ऑफ अमोनिया। अमोनिया एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो कि आपका प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के दौरान जनरेट होता है। इस कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लिवर। तो आपका जो अमोनिया है, तो अमोनिया कन्वर्ट हो जाएगा हमारे यूरिया के अंदर, लिवर के अंदर, जो कि आपका आगे जाके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कहाँ पे जाएगा? हमारे किडनी में जाएगा, और किडनी से हमारा यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगा। लास्ट फंक्शन आता है इसका मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स एंड हॉर्मोन्स। तो लिवर जो होता है वो काफ़ी सारा मेटाबॉलिज्म कराता है हमारे ड्रग्स और हॉर्मोन्स का भी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा छोटा सा लेक्चर था लिवर का। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा लिवर के बारे में आज के लेक्चर में, और आपके अब कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा लिवर के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।